दोस्तों वेलकम। दोस्तों आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है इस सिंगोनियम प्लांट को रिपॉट करना। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये पौधा हमारे हैंगिंग में लगा हुआ था और ये काफ़ी सूख रहा है दोस्तों, सर्दियों में भी सूख रहा है क्योंकि इसको पानी नहीं मिल पाया है दोस्तों। और एक पौधा तो लगभग थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो गया है और आप देख रहे होंगे पानी काफ़ी ड्राई हो गया है, यहाँ पर मिट्टी काफ़ी ड्राई हो चुकी है, इस वक्त इसको पानी की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों हमने इसको रिपोर्ट करना उचित समझा क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ लटकने लगती हैं जिससे भार बनता है और ये बाद में टूट के गिरने भी लगती हैं। अगर आप देख पाएँ तो ये देखिए लटक के टूट के गिर गई थी, तो मुझे लगता है कि हम इसको अगर बड़े गमले में शिफ्ट कर लें कम्प्लीट इसमें तो ये पूरा एक इसको विकसित होने का अच्छा मौका मिल जाएगा दोस्तों, विकसित होने का अच्छा मौका मिल जाएगा। और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, सिंगोनियम के बारे में पूरा बताया हुआ है। आप पौधे कैसे लगाएं प्लेलिस्ट में जा कर के हेड में देखें पौधे कैसे लगाएं, तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों हमने उसमें आपको पौधे के बारे में जानकारी दी है, लगाने का जो प्रैक्टिकल वर्क है वो हमने नहीं किया है। और ये वक्त आया आज जब कि मैंने सोचा कि जब ये सूख रहा है ड्राई हो रहा है तो हम इसमें पानी देने के बजाय हम इसको रिपोर्ट ही कर देते हैं अच्छे से पॉट में, हमारे पास पॉट भी है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने इसमें जो कोकोपीट लिया करीब 30% राख मिलाते हैं दोस्तों 1-1.5 चम्मच, और बाकी हम इसमें 70% में दोस्तों आधा आधा हमारा बालू और आधा हमारा मिट्टी है दोस्तों, और इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं दोस्तों, अच्छी तरह से मिक्स करना है दोस्तों। ये सिंगोनियम प्लांट जो है मॉइस्चर लविंग प्लांट में हमें यह ध्यान रखना है कि जड़ों में नमी बनी रहनी चाहिए दोस्तों, जड़ों में नमी बनी रहनी चाहिए और पत्तों पर हम स्प्रे करते रहें टाइम टू टाइम। ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये पौधा अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा, सब्जेक्ट टू इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे, जहाँ पर पौधे पत्तियाँ खूब अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एज पर दियर रिक्वायरमेंट कर सकें। तो ये दोस्तों बहुत छोटी एक्सरसाइज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अमूमन हर पौधे में हमको करना होता है टाइम टू टाइम। तो ये मैंने सोचा कि आपसे इस चीज़ को शेयर करता हूँ कि इस पौधे को अगर हैंगिंग से बचें तो ठीक रहेगा, अगर नहीं भी अगर लगाना भी चाहते हैं तो लग जाएगा, बट ये है कि थोड़ा सा इसको आपको ये ध्यान देना पड़ेगा इस पर पानी की कमी ना होने पाए। हालांकि ये पानी मांगता ही बहुत कम है पौधा, ये पौधा पानी मांगता भी बहुत कम है। ये इसमें दोस्तों उलझ गया है तो मुश्किल है, ये पत्तियाँ हटेंगी इसकी कोई बात नहीं है। ये पौधा पानी मांगता ही कम, फर्टिलाइजर मांगता ही कम। ये दोस्तों एक इसकी खासियत ये है कि ये हमारे इंडोर में एंटी पॉल्यूटेंट को के रोल में भी है, यानी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी रोल में है। इसको हम घर के अंदर भी रख सकते हैं गमले में, और इसके अंदर दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट ये तुलसी लग गई थी तो हम इसको ये भी उलझ गया है इसमें, हम इसको अभी फिलहाल तुलसी के पौधे को आसानी से हटा देते हैं दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट लग गई थी। और हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि तुलसी को इस तरह के पौधों में अपने आप आ गई तो आ गई, अन्यथा हैंगिंग में तो नहीं लगाते हैं, लगाना भी नहीं चाहिए, पानी वगैरह की असुविधा हो जाती है। और इस पौधे को हम दोबारा एक दूसरे गमले में पॉट कर लेंगे, इसको हम सुरक्षित रख देते हैं, इसकी जड़ें बिल्कुल सेफ हैं दोस्तों। अब हम इस पौधे को यहाँ से निकालते हैं और हम इसमें इस हैंगिंग में हम कोई नया पौधा लगा देंगे। अभी हमको इसको दोस्तों बस आसानी से इसको निकाल करके, ये आप देखें इसकी जड़ें, अब ये पौधा ग्रो करे तो कैसे करे, आप देख रहे होंगे इसकी जड़ें, ये पौधा ग्रो करे तो कैसे करे फर्दर। तो दोस्तों इसको स्पेस चाहिए, इसलिए भी हैंगिंग प्लांट्स में ये मुश्किल है इसको अच्छे से बहुत ग्रोथ पाना, क्योंकि इसकी जो पौधे की जो साइज होती है आपने देखा होगा इसका ऑर्नामेंटलिज्म बहुत बढ़िया होता है, ये बहुत अच्छा अच्छा खूबसूरत सा लगता है अगर कई सारे पौधे लगे हैं। इसकी दोस्तों हमने जड़ें निकाल दी और ये पुरानी इसकी मिट्टी भी हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको पहले रिचार्ज करेंगे। मिट्टी कैसे रिचार्ज करते हैं दोस्तों,
मिट्टी के बारे में जाने वाले प्लेलिस्ट में हेड में जा करके आप देखें, आपको जानकारी मिलेगी। तो ये दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, अभी इसमें हमने दोस्तों फर्टिलाइज़र नहीं मिलाया, सर्दी का महीना चल रहा है, पौधों की ज़रूरत भी नहीं है तत्काल, बाद में इसको देंगे फर्टिलाइज़र। अभी हम कुछ इसमें इसका ड्रेनेज दोस्तों बंद किए हैं यहाँ पर, और हम इसको इसमें भर देंगे दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जड़ें देख करके, इसकी जड़ें देख करके ये पौधा अब इसमें कितना ग्रो करता, और मुश्किल ही बढ़ रही थी इस पौधे के लिए। तभी मैंने सोचा कि इसको हम हैंगिंग से हटा ही देते हैं, और दोस्तों इसको हम ये ग्रोथ करना चाहता। आप देखिए नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं, लेकिन इसको वो वातावरण नहीं मिल रहा है जो इसको मिलना चाहिए, कुल मिला करके इन टोटल अगर कहें तो। तो दोस्तों ये हम ये इस पौधे को ऐसे लगा देंगे। ध्यान रखना है हमें, ये भी नीम की खली मेरे पास नहीं है, तो हम नीम की खली भी इसमें डाल देंगे एक चम्मच। उससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर कोई कीड़े डेवलप नहीं हो पाएंगे दोस्तों। और इस तरह से हमने इस पौधे को यहाँ पर लगाया रखा। अब ये इस पौधे को जो वैसे हमें ये दोस्तों, मैं अगर यहाँ से जड़ें भी कुछ हटा दूँ इसकी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जड़ें क्या करेंगी, इसके फर्दर ग्रोथ को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही होने वाला है। तो इन जड़ों को भी दोस्तों हम प्रून कर दे रहे हैं, और चूंकि हमने इसमें वो मिलाया हुआ है राख, तो कुछ एंटी फंगल का इम्पैक्ट मिलेगा इसको उस राख से। ये देखें इतनी जड़ें हमने इसकी हटा दी, इस जड़ से इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। ये क्योंकि रूट बॉल मेन बची हुई है, उसको हमने सुरक्षित रखा हुआ। अब ये इतनी जड़ें और इसमें ग्रो करेंगी, तब तक तो इसको स्पेस अच्छा मिल जाएगा। और इस तरह देखें दोस्तों, ये हमने इसको ऐसे पकड़ लिया और मिट्टी इसमें भर दिया। मिट्टी जिसमें कि पर्याप्त हमने मिलाया है कोकोपीट और बालू, ताकि ड्रेनेज अच्छा बना रहे, जड़ों को बढ़ने में मिट्टी के अंदर संघर्ष ना करना पड़े। और दोस्तों एयर पॉकेट्स हमको बंद करनी होंगी, एयर पॉकेट्स से पौधा हमारा जड़ों का मिट्टी से संपर्क उतना अच्छे से नहीं रहता है अंदर। अगर हमारा एयर पॉकेट्स है अंदर, तो जड़ें क्या होंगी, वो मिट्टी और जड़ों के बीच में आपस में जो पकड़ होती है वो नहीं रहती है। उससे क्या होता है, पौधा को हम पानी देंगे जब पौधा झुक जाएगा, फिर उसको जब तक वो पकड़ बनाएगा तब तक थोड़ा सा उसको अकेला सा रहेगा, मिट्टी का साथ कम मिल रहा होगा, तो न्यूट्रिशन वगैरह भी मिलने में दिक्कत होती है दोस्तों। तो अब आप देखें वही पौधा हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसमें और भी सूट्स निकलेंगी दोस्तों, और भी सूट्स इसमें निकलेंगी, इसका स्वभाव है। अब इसके पास जब इतना बगल बगल स्पेस हो गया, तो ये गमला पूरा गर्मियों में आप देखेंगे पूरा अच्छे से भर चुका होगा, खूब अच्छा लगेगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी जो आपसे मैंने से पिछले वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया था, आपको बताया था, आज मैंने सोचा इस चीज़ को जब हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना आपसे शेयर करें। अब इसमें दोस्तों हम वैसे तो हमारे उसमें नमी है, अब हम इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मिट्टी में आप देख रहे होंगे पर्याप्त नमी दिख रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और सिंगोनियम को अपने यहाँ लगाएंगे ग्रीनरी के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, लो मैनेजमेंट नेचर के लिए, लो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट के लिए इसके, और आपके ड्राइंग रूम में भी अपने लगा सकते हैं ये पौधा, बस ब्राइट लाइट एरिया में पोजिशन होना चाहिए।